के लिए, दो दिन में अपना समय निकाल के ट्रेनिंग में आने के लिए काफ़ी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और मैं अपनी बस बात, छोटी सी बात है, कल ईडी साहब ने काफ़ी डिटेल में निवेश मित्र के बारे में आप लोगों को जानकारी दी। मेरी उम्मीद है कि आज जो है दो दिन की ट्रेनिंग में थोड़ा और क्लैरिफिकेशन हुआ होगा, आप लोगों का आपस में भी कुछ इंटरेक्शन हुआ होगा, कम्युनिकेशन बढ़ा होगा। जो बिंदु प्रोफेसर कुमार ने बताए हैं, पॉइंट आउट किए हैं, जो आप लोगों के इंटरेक्शन से हम लोग के सामने संज्ञान में लाए जाएंगे, उन पर कार्रवाई भी होगी। और बाकी तो बस बात इतनी है कि जो चेंज की बात बार बार कही जा रही है, जो चेंज की बात एक एटीट्यूड में लाने की, एक बिहेवियर में लाने की, एक काम में लाने की कही जा रही है, उसके क्रम में एक सेइंग है, किसी एक ग्रीक फिलोसोफर ने कहा है कि नोबडी स्टेप्स इनटू द सेम रिवर ट्वाइस, कोई भी व्यक्ति उसी नदी में दोबारा नहीं पैर रखता है। इसका मतलब ये है कि नदी का जो प्रवाह होता है, नदी की गति होती है, वो नदी में उसी जगह पे भी जाएगा तो भी वो नदी नहीं रहेगी जिसमें वो पैर रखेगा। तो बदलाव जो है वो सृष्टि का नियम है, इट इज़ दी ओनली थिंग दैट इज़ परमानेंट इन लाइफ। उसी के क्रम में जो है ये बातें की जा रही हैं। और अगर हम बदलाव की बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी जो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है। एक किताब पढ़ी हमने, पुपुल जयकर एक राइटर हैं, इंदिरा गांधी की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उन्होंने इंदिरा गांधी की बायोग्राफी लिखी है। तो उस बायोग्राफी को मैंने पढ़ा, छोटी सी किताब है, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हैं उनके ज़माने के। उसमें एक इंसिडेंट है जब 1970s में इंडिया में फूड ग्रेन क्राइसिस हुआ, तो इंदिरा गांधी हैड टू कॉल अप लिंडन जॉनसन हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका दैट टाइम, और उनको उनसे मतलब जो उन्हें उस इंटरेक्शन में जो बात सुननी पड़ी या जो भी उनके बीच का इंटरेक्शन हुआ, इतना उनको ह्यूमिलिएटेड फील हुआ, क्योंकि हम लोग एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग हैं, हम लोगों के पास उस टाइम पे इम्पोर्ट करना पड़ता था, बहुत ख़राब क्वालिटी का गेहूँ आता था। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, और फिर जो भी उनके पास खड़ा था, जो भी व्यक्ति था, उससे उन्होंने कहा कि ये स्थिति मैं कभी अब इंडिया के लिए मैं कभी आने नहीं दूंगी, चाहे US हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, हम अब किसी का मुंह नहीं देखेंगे फूड ग्रेन्स के इशू के बारे में। एटलीस्ट उनकी ये जो सोच थी, जो इस इवेंट ने, ये पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, लोग कहते हैं कि इस इंसिडेंट ने उस ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत गति दी, उसमें उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया। उसके बाद ये स्थिति है कि हम फूड ग्रेन सरप्लस नेशन हो करके आज इस समय यहाँ पर इस स्थिति पे आए हैं। अभी उस समय की बात सोचिए जब मिस्टर जॉनसन से उनका इंटरेक्शन हुआ था और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के को ह्यूमिलिएटेड फील हुआ था, जिसको लेकर के उन्हें दुख हुआ था, और आज की स्थिति देखिए कि आज अभी 2010 में जब बराक ओबामा इंडिया आते हैं तो उनको कितना थ्रेट परसेप्शन है कि अमेरिका के जॉब्स जो हैं इंडियंस चोरी कर रहे हैं, या अमेरिका से आउटसोर्सिंग हो रही है, और उनके जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पेस है वो हमसे भी कहीं ज़्यादा पिछड़ चुकी है, हम लोग उनसे आगे निकल आए हैं। अगर कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी आप लोगों ने, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिपोर्ट्स और प्रोजेक्शंस की बात अगर करेंगे इसी के क्रम में, तो एक डेटा है कि हमारी जो वर्किंग ग्रुप पॉपुलेशन है, जो इंडिया में जो यंग लोग हैं, जो लोग अभी पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम लोग विश्व पॉपुलेशन में, वर्किंग पॉपुलेशन में, हम अपनी पॉपुलेशन में 241 मिलियन लोग ऐड करेंगे इन द नेक्स्ट 20 इयर्स फ्रॉम 2010 टू 2030। इसी पीरियड में चाइना विल बी एडिंग ओनली 10 मिलियन पीपल, जबकि चाइना भी हमसे बहुत आगे है बहुत चीज़ों में, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, बट दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर। और जो विकासशील देश हैं, जैसे कि रशिया है या जापान है, इन लोगों की वर्किंग पॉपुलेशन का ग्रुप का जो डेटा है वो नेगेटिव में जा रहा है। इसी समय जब हम 241 मिलियन लोगों को वर्कफोर्स में ऐड करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज में ये पॉपुलेशन जो है ये नेगेटिव में जा रही है, द नंबर ऑफ ओल्ड पीपल इज गोइंग टू इंक्रीज देयर। तो ये जो डिमोग्राफिक शिफ्ट है ग्लोबली, इसको लोग कह रहे हैं कि इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, एंड देर आर कंट्रीज विद इंडिया जिसको ब्रिक कंट्रीज कहते हैं, जिसमें कि ब्राज़ील, इंडिया और आपका चाइना एंड वन मोर कंट्रीज देयर। दीज आर द कंट्रीज विच आर गोइंग टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स। दिस इज अ फैक्ट विच हैज़ बीन कोरोबोरेटेड
by many economists and many economic reports. तो ये स्थिति है कि हम इंडिया में हम यहाँ बैठे हुए हैं और लोग जो है वो आंखें बिछा के या कहें कि they are looking at us with wonder and amazement. Even personally जो हमारे जानकार हैं या जो लोग बाहर रहते हैं वो कहते हैं कि अरे यार तुम लोग तो कहते हो कि ये है वो है हालात ऐसी है वैसी है यहाँ पे तो people are just so upbeat about the country that India is not arriving, India has arrived. और यही चीज़ बराक ओबामा ने भी कही थी कि India is not arriving, it is no longer developing, it has already arrived. तो इसमें जो है हमारा डेमोग्राफिक शिफ्ट हो गया, ये फैक्ट हो गया कि हम एक लिबरल डेमोक्रेसी हैं, अनलाइक चाइना और अनलाइक मेनी अदर कंट्रीज वेयर देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पोलिटिकल प्रॉब्लम्स, वी हैव अ वेरी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी. और प्लस ये जो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स होते हैं, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स जिनसे ह्यूमन इंटरफेस जो है लोगों का कम करने की बात होती है, जिससे कि प्रॉम्प्टनेस एफिशिएंसी त्वरित गति लाने की बात होती है, ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं इंडिया में बहुत जगह पे कई कई लोकल लेवल पे कई कई स्टेट लेवल पे अपनाए जा रहे हैं. एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल ई गवर्नेंस मिशन भी सेट हो रहा है इसी चीज़ के लिए, विच विल ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ई गवर्नेंस मैकेनिज्म्स इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, ताकि जो भी डिलेज होते हैं जो भी फाइल वर्क में प्रॉब्लम आती है उसको कम किया जाए. पब्लिक को हम एक अपना वो ना समझे कि ये हमारे वी आर द रूलर्स एंड दे आर द रूल्स, बट वो ये समझे कि दे आर लाइक क्लाइंट्स, वी विल वर्क विद दैट माइंडसेट. उसके लिए ई गवर्नेंस मिशन भी सेट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे. और जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स के बारे में आप लोगों को खुद ही जानकारी होगी. पिछली बार एक रेलवे रिजर्वेशन की बात की गई थी कि हाउ रेलवे रिजर्वेशन हैज़ ईज्ड लाइफ फॉर ऑल ऑफ अस. पहले जो स्थिति थी और अब की स्थिति में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है. एक और प्रोजेक्ट जो हमारा ये जैसे खतौनी देने का प्रोजेक्ट होता है गांव में, पहले यही खतौनी जो होती थी इसकी कॉपी लोगों को आसानी से नहीं मिलती थी, क्योंकि लेखपाल को एक्सेस करना, लेखपाल को मिलना, कानूनों को मिलना इतना आसान काम नहीं है. वो लोग भी बहुत ही बिजी भी होते हैं और कुछ थोड़ा बिजी बनते भी हैं, तो पब्लिक को बहुत परेशानी थी. उसके बाद जो है ये प्रोजेक्ट सबसे पहले भूमि के नाम से इन्होंने कर्नाटका में लॉन्च किया. जो इस प्रोजेक्ट के पीछे जो काम कर रहे थे उनसे मिलने का मौका मिला, उनसे मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली, तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई. एक सीनियर हमारी सर्विस के ये एक सीनियर कुलीग हैं जिन्होंने काम किया था इस पर, एंड ही डिवोटेड 8 ईयर्स इन दिस प्रोजेक्ट इट्सेल्फ. उन्होंने 8 साल खाली इस भूमि प्रोजेक्ट के ऊपर बेंगलोर में कर्नाटका में काम किया. उन्होंने ये कहा कि मेरा अपना जो अनुभव है वो ये है कि चेंज सब लोग चाहते हैं, चाहे हम कितने भी सिनिकल हों, चाहे हम कितना भी ये सोचें कि नहीं नहीं ये सब ऐसा ही रहने देना चाहिए, चलना चाहिए, बट हिज परसेप्शन वॉज कि चेंज सब लोग चाहते हैं, बस रेट ऑफ चेंज जो है वो सबको लेके, सबको साथ में लेके करना चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऐसी चीज़ होती है जो अगर बहुत अचानक से कोई नई पैटर्न या नई पद्धति जो है अगर किसी चीज़ में लगा दी गई तो उसका फिर कुछ जो है फॉल बैक हो सकता है. तो लोगों को चेंज से प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को रेट ऑफ चेंज से प्रॉब्लम है. इसीलिए उन्होंने 8 साल जो है धीरे धीरे पायलट प्रोजेक्ट करके थोड़ा थोड़ा लॉन्च किया, और अब आज देखिए कि आज पूरे कंट्री में ऑलमोस्ट ये पद्धति लागू हो गई है. इससे कितने करोड़ों जनता को कितना बेनिफिट है, उनका टाइम सेव होता है, उनके पैसे सेव होते हैं, उनको सुविधा से जो कि चीज़ एक उनका हक है, जिसको कि अभी तक उनको मिलने में इतना दिक्कत हो रहा था, जो चीज़ उनका हक है वो उनको अब इतनी आसानी से प्रोवाइड हो जाती है. दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल. उसी के क्रम में निवेश मित्रा भी जो है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको कि एनविसाज किया जा रहा है. अभी सिर्फ विजन, अभी विजन बना है, अभी विजन के अनुसार कार्रवाई हो रही है. आप लोगों के इनपुट्स अपेक्षित हैं और इनवाइटेड हैं, आप लोगों के सजेशंस इनवाइटेड हैं. विजन के अनुसार मिशन मोड में काम किया जाए, वही सभी लोगों की होप है, वही सब लोगों की प्रत्याशा है. और कल जब सर ये बात कर रहे थे कि इसको कैसे एकदम आत्मसात कर लेना चाहिए, तो जब वो ये बात कर रहे थे तब मुझे बस एक एग्जाम्पल याद आया जो हमें कभी ट्रेनिंग में बताया गया था, नासा का एग्जाम्पल जो शायद आप लोगों को काफ़ी यूज़ होता है वो मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स में, कि नासा सभी लोग जानते हैं नासा के बारे में, अमेरिका में जो स्पेस प्रोग्राम चलाते हैं और लोगों को स्पेस में भेजते हैं, दिस इज़ दी एजेंसी.
तो नासा का इंस्पेक्शन करने कोई गए, अमेरिकन प्रेसिडेंट या कोई भी वीआईपी गए, और वहाँ पे नासा के ऑफिस कंपाउंड में उन्हें एक स्वीपर मिला जो बाथरूम क्लीन कर रहा था नासा का, और उन्होंने उसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या काम है यहाँ पे, व्हाट इज़ योर रोल। और वो जो स्वीपर था उसने बिल्कुल नहीं, उसको एक मिनट की भी हिचक नहीं हुई, उसने बोला कि सर मैं एक आदमी को चांद पे भेजने में मदद करता हूँ। तो दैट वॉज दैट पर्सन्स इम्प्रेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करता था उस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों ने उसके अंदर ये वैल्यू इंस्टिल की हुई थी कि तुम यहाँ पे हो, तुम इम्पॉर्टेंट हो, तुम्हारा भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है, एंड दैट पर्सन फेल्ट इट, एंड दैट पर्सन इमिजिएटली रिप्लाइड कि मैं एक आदमी को चांद पे भेजने में मदद करता हूँ, दैट इज़ माई रोल। तो यही उम्मीद है कि हम लोग इस ट्रेनिंग से प्रोफेशनली और पर्सनली लाभान्वित हुए होंगे, और आगे भी इंटरेक्शन का मौका मिलेगा, और कोई भी किसी को भी किसी प्रकार की क्वेरी हो निवेश मित्र से रिलेटेड या अलग भी कोई भी डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एंड बी इन टच। एंड वंस अगेन थैंक यू ऑल वेरी मच। थैंक यू।